हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर की मेरी सीरीज है उसको आगे बढ़ाऊंगा। ये है सेट थ्री। इससे पहले मैं दो सेट कवर कर चुका हूं जिनमें मैंने बेस्ट स्पोर्ट्स करंट अफेयर कवर किए थे जनवरी से मार्च 2018। इस वाले सेट में मैं कवर करूंगा अक्टूबर से दिसंबर। तो बस इतने ही काफी हैं आपके लिए 6 महीने के, और इसके बाद दो वीडियो और आएंगे। मतलब टोटल स्पोर्ट्स करंट अफेयर के 5 वीडियो हैं, टोटल क्वेश्चन है लगभग 300। अगर आप ये 300 क्वेश्चन कर लेते हैं तो स्पोर्ट्स के करंट अफेयर में एक भी नंबर आप लूज नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं सेट थ्री। स्टडी आईक्यू के पेनड्राइव कोर्सेज आते हैं यूपीएससी, बैंक पीओ, एसएससी, जीएस और ऑप्शनल दोनों एग्जाम्स के लिए। टेस्ट सीरीज भी आती है हमारी, डिफेंस एग्जाम। तो आप कोई भी हमारा टेस्ट सीरीज या पेनड्राइव कोर्स लेना चाहते हैं तो studyiq.com पे जा सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं। बहुत ही जल्दी मैं इंस्टाग्राम पे क्विज भी स्टार्ट करूंगा, तो टायरलेस सोल पे आप जाके क्विज को अटेंड कर सकते हैं, या फिर gaurav888 पे आप ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। पहली बार फीफा ने 7 सपोर्ट फीमेल रेफरी कौन से मेंस टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट की थी, यानी 7 महिला रेफरी सपोर्ट रेफरी का काम करेंगी। ये इन्होंने किया था फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017 के लिए। ये भारत में हुआ था, याद रखिए। इसका फाइनल हुआ था कोलकाता में और इसको जीता था इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने हराया था स्पेन को फाइनल में 5-2 के स्कोर से। तो ये सारी डिटेल्स याद रखिए। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप फुटबॉल भारत में हुआ था, और फीफा का जो वर्ल्ड कप होता है सीनियर टीम के लिए, तो फीफा 2018 का जो वर्ल्ड कप होगा वो होगा रशिया में, अभी 3 महीने के बाद होगा। और अगला वर्ल्ड कप होगा 2022 में, और 2022 का जो वर्ल्ड कप होगा वो होगा कतर में। फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो है ज्यूरिख, और ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड में। इसके जो प्रेसिडेंट है वो है जियानी इन्फेंटिनो, जियानी GIANI इन्फेंट, जैसे इन्फेंट होता है बच्चा, इन्फेंटिनो। भारत के वो कौन से कोच हैं पहलवानी के, रेसलिंग के, जिन्हें रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सस्पेंड कर दिया? इनका नाम है कृपा शंकर पटेल, कृपा शंकर पटेल। और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो है BS सिंह। पूरा नाम याद रखिए, इनका नाम है ब्रिज भूषण शरण सिंह, BS सिंह। तो कृपा शंकर पटेल को सस्पेंड कर दिया गया था। इनमें से कौन से भारतीय हैं जिन्होंने अपना 6ठा लगातार मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप जीता है? इन्होंने ये 6ठी बार लगातार जीता है, और ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने एक एशियन रोड रेसिंग भी जीती है। ये चलाते हैं TVS की मोटरसाइकिल, और इनका नाम है जगन कुमार। ये जो टाइटल इन्होंने जीता है इसका नाम था सुपर स्पोर्ट इंडियन 165cc। कौन से फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं जिन्होंने मलेशियन ग्रांड प्री जीत लिया 2017? इसको जीता मैक्स वर्स्टापन ने। चलाई गाड़ी रेड बुल। इस बार चैंपियन जो टीम बनी वो बनी मर्सिडीज की। लुइस हैमिल्टन बने थे इस बार वर्ल्ड चैंपियन। और ये सारी रेस और उनके ड्राइवर हैं जो रेस जीती थी। जैपनीज, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटिश, बेल्जियन, इटालियन, सिंगापुर, कैनेडियन, स्पेनिश और चाइनीज, ये सारी ग्रांड प्री जीती लुइस हैमिल्टन ने। हंगेरियन, मोनेको, बहरेन, ऑस्ट्रेलियन, ब्राजीलियन, ये जीती सेबेस्टियन वेटल ने, इनकी गाड़ी है फरारी। ऑस्ट्रियन, रशियन और अबू धाबी ग्रांड प्री जीती मर्सिडीज ने, ये टीममेट थे लुइस हैमिल्टन के, इनका नाम है वल्तारी बोतास। और मैक्सिकन और मलेशियन जीती मैक्स वर्स्टापन ने, और ये रेडबुल गाड़ी चलाते हैं, और इनके टीममेट हैं डैनियल रिकियार्डो, जिन्होंने सिर्फ एक रेस जीती वो थी अजरबैजान ग्रांड प्री। तो यहां पे मलेशियन पूछी है तो आंसर हो गया मैक्स वर्स्टापन, रेडबुल के ड्राइवर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने अनाउंस करा है कि वो नए प्लेइंग कंडीशंस अनाउंस करें बेसिकली टेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। आपको बताना है आईसीसी का चीफ कौन है। आईसीसी के जो चीफ हैं वो हैं चीफ एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है CEO। इनका नाम है डेविड रिचर्डसन। और अगर पूछे चेयरमैन कौन है तो चेयरमैन है शशांक मनोहर। तो दोनों के नाम आप याद रखिए। और ये जो नई प्लेइंग कंडीशन है ये बेसिकली ये है कि जो साइज है बैट के उनको कम कर दिया गया है। जो डेप्थ है वो है 67 mm, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और जो डेप्थ है बैट की, और जो बैट की जो एज है, जो किनारा है, वो 40 mm से ज़्यादा चौड़ा नहीं हो सकता। बैट का किनारा एज 40 mm से ज़्यादा, और बैट की जो डेप्थ है वो 67 mm से ज़्यादा नहीं हो सकती। इनमें से कौन सी पोजीशन पे विश्वनाथ आनंद ने फिनिश करा आइल ऑफ मैन चेस चैंपियनशिप जो डगलस में हुई थी? इनकी पोजीशन थी सेकंड।
ये 5 बार वर्ल्ड चैंपियन है विश्वनाथन आनंद, और इन्होंने वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप जीती सऊदी अरब में। इसके अलावा ताल मेमोरियल रैपिड टूर्नामेंट जीता जो हुआ था। ये टाइटल किसने जीता? मैन चेस चैंपियनशिप, आइल ऑफ मैन चेस चैंपियनशिप डगलस में, ये जीती मैग्नस कार्लसन ने, जो इस वक्त वर्ल्ड चैंपियन भी हैं और वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियन भी हैं। कौन सी कंपनी है जिन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट करा हेयर टू क्रिएट, ये फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए भारत में किया, इसका नाम है एडिडास। किसने वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती मॉन्ट्रियल में जो हुई थी, ये अमेरिका की है, इनका नाम है मॉर्गन हर्ड। दीपा कर्माकर इंडियन है, इन्होंने ओलंपिक्स में 4th पोजीशन इनको मिली थी दीपा कर्माकर। इनके कोच हैं विश्वेश्वर नंदी और इनकी एक स्पेशल जंप है जिसको बोलते हैं प्रोद्युनोवा, और ये त्रिपुरा की हैं। इनमें से किसने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप जो कजान रशिया में हुई थी, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत की का, ये एकमात्र गोल्ड मेडल है। इनका नाम है पूजा कादियान और इन्होंने 75 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में जीता। इनमें से अंडर 19 वर्ल्ड कप 2018 के लिए इवेंट एम्बेसडर किसे अनाउंस किया गया था, ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, इनका नाम है कोरे एंडरसन, और ये वर्ल्ड कप जो है अंडर 19 ये न्यूजीलैंड में ही होगा। इनमें से पहले भारतीय कौन बने जिन्होंने एक यूरोपियन रेसिंग चैंपियनशिप जीती, इन्होंने बॉस जीपी जो यूरोपियन रेसिंग चैंपियनशिप है वो जीती जो इमोला इटली में हुई थी। ये सिर्फ 19 साल के हैं, चेन्नई से हैं, इनका नाम है महावीर रघुनाथन। जॉन हेस्टिंग्स ने रिटायरमेंट ले लिया क्रिकेट से, ये कौन से खेल के, कौन से देश के खिलाड़ी थे, ये एक फास्ट बॉलर थे, ये ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर थे। कितने कंट्री हैं जिन्हें भारतोलन में वेटलिफ्टिंग में सस्पेंड कर दिया 1 साल के लिए इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने, टोटल कंट्री हैं 9, अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, चाइना, कजाकिस्तान, मोल्डोवा, रशिया, टर्की और यूक्रेन। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, नाम बस याद रखिए, 9 कंट्री हैं। और इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है तमस अजान। इनके जो सैंपल हैं वो पॉजिटिव पाए गए थे, मतलब डोपिंग कर रहे थे, ड्रग्स ले रहे थे। कितने मेडल भारत ने जीते, भारत दूसरे नंबर पर रहा चाइना के बाद, 20th एशिया मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप ये रुगाओ चाइना में हुई थी, तो भारत ने जीते, इंडिया ने 146 मेडल। और एक भारत का 76 साल का खिलाड़ी है शिवनाथ, इन्होंने 4 मेडल जीते, 146 टोटल, इनमें 37 थे गोल्ड मेडल, 43 थे सिल्वर और 66 थे ब्रॉन्ज। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिसके जो प्रेसिडेंट है वो है थॉमस बाक और इसका हेडक्वार्टर है लॉजैन है स्विट्जरलैंड में। इन्होंने ओलंपिक कमेटी कौन से देश की सस्पेंड कर दी, ये देश है ब्राजील, तो ब्राजीलियन ओलंपिक कमेटी को इन्होंने सस्पेंड कर दिया और उसके प्रेसिडेंट मिस्टर कार्लोस नुजमान को भी सस्पेंड कर दिया, तो ये याद रखिए। कौन सा कंट्री है जो सबसे छोटा कंट्री बना है जिसने फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया जो रशिया में होगा 2018 में, फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप, तो ये क्वालिफाई करा आइसलैंड ने पहली बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। मैन सिंगल टाइटल टेनिस में किसने जीता, बात हो रही है लॉन टेनिस की, चाइना ओपन जो बीजिंग में हुआ था इसको जीता रफायल नडाल ने। और महिलाओं वाला जीता फ्रांस की खिलाड़ी कैरोलिन गार्सिया। याद रखिए रफायल नडाल है स्पेन के खिलाड़ी। इनमें से कौन से खेल की गवर्निंग बॉडी ने कहा है कि खिलाड़ियों को अब यो टेस्ट पास करना पड़ेगा, फिटनेस का टेस्ट, अगर वो खेलना चाहते हैं, ये कहा क्रिकेट की बॉडी बीसीसीआई ने। सो आंसर है क्रिकेट, टेस्ट का नाम है यो टेस्ट। कौन सी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता अंडर 15 वुमेन्स एकल कंपटीशन हुआ था एशियन जूनियर चैंपियनशिप जो यंगून म्यांमार की पुरानी राजधानी थी यंगून, अब तो नेपिडाओ है, उसमें खेली गई थी। भारत की खिलाड़ी हैं और हैदराबाद से हैं, इनका नाम है सामिया इमाद फारूकी। भारत का सबसे पहला वेबसाइट या पोर्टल जो दिव्यांग स्पोर्ट्समैन के लिए है उसका नाम क्या है, इसका नाम है द नेशंस प्राइड डॉट कॉम। कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं महिला जिन्होंने वर्ल्ड ओपन अंडर 16 स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली, ये रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में हुई थी, इसको जीता अनुपमा रामाचंद्रन। कौन से भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेन सिंगल टाइटल जीत लिया बल्गेरियन इंटरनेशनल फ्यूचर सीरीज टूर्नामेंट जो सोफिया में हुआ था, क्या नाम है इनका, इनका नाम है RMV गुरु साईदत्त।
आरएमवी गुरु साई दत्त और ये कॉमनवेल्थ खेलों में भी ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टाइटल गोल्फ में किसने जीता? इस टूर्नामेंट का नाम था एशियन टूअर्स यांग डे टूर्नामेंट। ये ताइवान की राजधानी ताइपी में खेला गया था। इसको जीतने वाले खिलाड़ी हैं अजितेश संधु। इनमें से कौन सा पेयर है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता वर्ल्ड जो तीरंदाजी का चैंपियनशिप हुआ था वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप, ये अर्जेंटीना के रोजारियो शहर में हुआ था। इसको जीता दो खिलाड़ियों ने, फीमेल खिलाड़ी हैं अंकिता भकट और मेंस खिलाड़ी ये हैं, इनका नाम है जैमसन निंग थाउजाम। दोनों भारतीय खिलाड़ी हैं जैमसन निंग थाउजाम और अंकिता भकट। फीफा ने अभी कौन से कंट्री की फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया? ये इन्होंने पाकिस्तान की फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया था क्योंकि ये काफी इंटरफेयर कर रहे थे, तो इसको सस्पेंड कर दिया था। कितने मेडल भारत ने जीते जो ट्रैक एशिया कप हुआ था नई दिल्ली में, उसमें दूसरे नंबर पे इसमें था चाइना। भारत ने जीते टोटल 21 मेडल, 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज। तो टोटल जीते 21। भारत ने नंबर वन पे फिनिश करा और दूसरे नंबर पे फिनिश करा चाइना ने। कौन से भारत के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया T20 कंपिटेटिव क्रिकेट, मतलब तीनों से, टेस्ट, T20, वनडे सबसे? तो इनका नाम है आशीष नेहरा, आशीष नेहरा। और इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस करा जो इंडिया न्यूजीलैंड के बीच दिल्ली में T20 मैच खेला गया था उसके तुरंत बाद। इन्होंने अपना पहला मैच खेला था श्रीलंका के खिलाफ, टेस्ट सीरीज थी 1999 में। भारत ने डायरेक्ट क्वालिफिकेशन कर लिया 2019 AFC आसियान कप का, एशियन कप का। ये पहली बार 1984 के बाद, यानी आप देख सकते हैं लगभग 34 साल के बाद भारत ने क्वालिफाई करा है AFC आसियान कप के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई। तो ये कौन सी टीम को हराया? इन्होंने मकाओ को हराया। मकाओ, ये एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है चाइना का, मकाओ, और UAE में खेला जाएगा ये कप। अर्जन रोबेन ने अपना रिटायरमेंट ले लिया अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से। ये कौन से फुटबॉल क्लब के लिए खेलते थे? इनका क्लब था बायर्न म्यूनिख, FC बायर्न म्यूनिख, और ये नेदरलैंड के खिलाड़ी थे, नेदरलैंड। पहले खिलाड़ी कौन बने बांग्लादेश के जिन्हें MCC वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी ने अब उसके अंदर मतलब जगह दी है, और इस कमेटी के चेयरमैन है माइक गेटिंग। इनका नाम है शकीब अल हसन, ये ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं शकीब अल हसन। लॉरिया स्पोर्ट्स के पहले भारतीय एम्बेसडर कौन बने? लॉरिया स्पोर्ट्स के, इससे पहले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, कपिल देव, ये सब लॉरियाज लिस्ट में रह चुके हैं, लेकिन लॉरियाज के पहले भारत के एम्बेसडर बने युवराज सिंह। ICC ने अपनी एक परमिशन दे दी है, ICC एक वनडे और T20 का टूर्नामेंट चलाएगी, एक लीग चलाएगी। तो 12 कंट्री हैं जो टेस्ट मैच खेलते हैं टोटल, इनमें से कितने कंट्री होंगे इस टेस्ट लीग में? ये कंट्री होंगे 9 कंट्री होंगे, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान और आयरलैंड। ये टेस्ट मैच खेल सकते हैं पर इनको इसमें जगह नहीं दी गई है। 2017 इजिप्ट जूनियर एंड कैडेट टेबल टेनिस ओपन गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीता है? इस खिलाड़ी का नाम है सेलेना सेल्वा कुमार। वुमेन सिंगल टाइटल तियानजिन ओपन किसने जीता? बड़े लंबे समय के बाद इन्होंने वापसी करी टेनिस में, ये सस्पेंड कर दी गई थी ड्रग्स लेने के लिए, इनका नाम है मारिया शारापोवा। क्या आप मारिया शारापोवा की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं? कौन सी टीम है जिसने 37वां ऑल इंडिया गवर्नर्स गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता 10वीं बार? ये गैंगटॉक में हुआ था, गैंगटॉक सिक्किम की राजधानी है, और ये टीम है मोहन बागान। मोहन बागान ने हराया फाइनल में पर्थ चक्रा को। शंघाई ओपन का खिताब किसने जीता? बात हो रही है लॉन टेनिस की, रोजर फेडरर ने जीता, रोजर फेडरर ने हराया था रफाइल नडाल को। सो आंसर है रोजर फेडरर। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता था, रोटरडैम ओपन भी जीता था, और इनके 20 ग्रैंड स्लैम है, ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। पार्क जी संग ये पहले साउथ कोरिया के खिलाड़ी बने जो इन्होंने 2018 प्योंगचांग ओलंपिक की जो मशाल है उसको लेके चले। ये कौन सा खेल खेलते थे? ये मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के लिए खेलते थे और ये फुटबॉल के खिलाड़ी थे, फुटबॉल। सिल्वर मेडल किसने जीता वर्ल्ड स्किल्स चैलेंज 2017 जो आबू धाबी में हुआ था? ये भारतीय हैं और इनका नाम है मोहित डुडेजा। वर्ल्ड स्किल्स चैलेंज, इन्होंने पेटिसियरी एंड कन्फेक्शनरी, यानी ये एक तरह का खाने बनाने का उसमें जीता है इन्होंने ये मेडल, तो पेटिसियरी एंड कन्फेक्शनरी कैटेगरी में जीता है। इनमें से कौन सी भारत की महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्हें हॉबर्ट हरिकेन्स नाम की टीम ने साइन कर लिया है? ये वुमेन्स बिग बैश लीग का तीसरा अध्याय होगा। इनका नाम है वेद कृष्ण मूर्ति,
वेद कृष्णमूर्ति, और वेदा कृष्णमूर्ति और हरमनप्रीत कौर ये दो खिलाड़ी हैं जो इसमें WBBL ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स डोमेस्टिक में खेलेंगे। सबसे हाईएस्ट पेड क्रिकेट कोच या मैनेजर इन द वर्ल्ड कौन बने, तो ये है भारतीय टीम के कोच रवि शास्त्री। कौन से इंडियन टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने स्कॉट लिप्सकी के साथ मिलकर यूरोपियन ओपन टेनिस खिताब जीता जो एंटवर्प में हुआ था, इनका नाम है दिविज शरण। और अगर पूछें कि यूरोपियन ओपन का जो ये खिताब था मेन सिंगल में किसने जीता, तो ये खिलाड़ी हैं जो विलफ्रेड सोंगा, फ्रांस के खिलाड़ी जो विलफ्रेड सोंगा। कौन सी टीम है जिसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के खिलाफ केस जीत लिया और अभी IPL में अपनी वापसी करेगी, इसको रॉन्गफुली टर्मिनेट कर दिया गया था, ये टीम है कोची टस्कर्स केरला। और IPL के चेयरमैन है राजीव शुक्ला। फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर यानी फीफा साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला, इन्हें UEFA की तरफ से भी साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड मिला, और एक अवार्ड और होता है जिसे बोलते हैं बेलोन डोर, ये साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है फ्रेंच मैगजीन लकीप द्वारा, LUQIPE लकीप। इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये पुर्तगाल के लिए खेलते हैं और रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं। इनके साथ जो खिलाड़ी हैं इन्हें मिला बेस्ट कोच का अवार्ड, इनका नाम है जिनेडिन जिडान। पहले भारतीय कौन बने जिन्होंने ITTF वर्ल्ड जूनियर सर्किट स्टैंडिंग यानी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन की जो रैंकिंग है जूनियर, उसमें टॉप किया नंबर वन, इन खिलाड़ी का नाम है मानव ठक्कर। NBA इंडिया ने अपना हेड ऑफ बास्केटबॉल ऑपरेशंस किसे बनाया है, ये है स्कॉट फ्लेमिंग, और ये भारतीय बास्केटबॉल टीम के कोच थे 2012 से 2015 तक। कौन से भारत के गोल्फ खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना 8वां एशियन टूर टाइटल जीता मकाओ ओपन, इनका नाम है गगनजीत भुल्लर। ऑस्ट्रेलियन मोटरसाइकिल ग्रां प्री का खिताब किसने जीता, ऑस्ट्रेलियन मोटरसाइकिल ग्रां प्री ये जीता स्पेन के खिलाड़ी, होंडा चलाते हैं ये, होंडा मोटरसाइकिल, मार्क मार्केज। सबसे लेटेस्ट इंडियन प्लेयर कौन बने हैं जो NBA लीग में खेलेंगे, इन्हें इनकी टीम का नाम है ओक्लाहोमा सिटी ब्लू, ये हैं अमेजोत सिंह। और एक खिलाड़ी और याद रखिए, वो भी पूछ सकते हैं, गोकुल नाटेसान को भी साइन करा है लेकिन टीम दूसरी है, टीम है क्लीवलैंड कवालिए, इसको कवालिए प्रोनाउंस करते हैं, वैसे लिखते हैं कैवेलियर्स। इनमें से कौन सी टीम है जिसने अपना तीसरा एशिया कप हॉकी टाइटल जीता 10 साल के बाद, ये ढाका में हुआ था, इसको जीता भारत ने। इससे पहले ये जीता था 2007 में चेन्नई में और 2003 में कुआलालंपुर में। कौन सी वुमेन्स बॉक्सर है हमारी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता बालकान इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, इनका नाम है, थोड़ा प्रोनाउंस करने में डिफिकल्ट है, लाल्फा कमावी रालते। और भारत ने 5 मेडल जीते, सिर्फ एक ही गोल्ड जीता और वो इन्होंने जीता, लाल्फा कमावी रालते ने। इनमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी है जो BCCI की एसोसिएट मेंबर बन गई है, इनका नाम है पांडिचेरी। विराट कोहली की क्या रैंक है फोर्ब्स लिस्ट में जो टॉप ब्रांड वैल्यू एथलीट है उनकी, नंबर वन पे है रॉजर फेडरर नंबर वन पे, और इनकी विराट कोहली की जगह है 7वीं, यानी ब्रांड वैल्यू में सब 7वें नंबर पे है विराट कोहली। कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए, सबसे ज्यादा एवरेज है इनकी, सबसे ज्यादा सेंचुरीज हैं शुरू के 200 वनडे में, ये खिलाड़ी हैं अगेन विराट कोहली। इनके 31 सेंचुरी हैं शुरू के 200 वनडे में, 8,888 रन हैं, और इन्होंने AB डिविलियर का रिकॉर्ड तोड़ा है। AB डिविलियर के शुरू के 200 मैचेस में थे 8,621 रन और 24 शतक, तो AB डिविलियर दूसरे नंबर पे हैं। कौन से भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने डेनमार्क ओपन का खिताब जीत लिया, ये हैं किदंबी श्रीकांत, जिन्हें पद्मश्री भी मिला है अभी। इनमें से गोल्ड मेडल किसने जीता 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट ISSF वर्ल्ड कप जो नई दिल्ली में हुआ था, ये जीता जीतू राय और हीना सिद्धू ने, ये दोनों बहुत ही प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं। कौन सी टीम है जिसने फीफा Under-17 वर्ल्ड कप जीता, इन गेम्स के मैस्कॉट थे खेलेओ, ये क्लाउडेड लेपर्ड है, बॉल का नाम था क्रासावा, इसको एडिडास ने बनाया था, और ट्रांसपोर्ट पार्टनर था ह्यूंडई इंडिया, तो इसको जीता इंग्लैंड ने इसको जीता और इन्होंने हराया स्पेन को। ये कुछ खिलाड़ी हैं, ये आपको याद रखने हैं। गोल्डन बॉल और टूर्नामेंट का बेस्ट खिलाड़ी ये मिला फिल फोडेन को, गैब्रियल ब्राजाओ को मिला गोल्डन ग्लव,
गोलकीपर ब्राजील के रियान ब्रूस्टर को मिला गोल्डन शू। गोल्डन शू मिलता है जो सबसे ज्यादा गोल मारता है। इंग्लैंड के खिलाड़ी रियान ब्रूस्टर ने सबसे ज्यादा गोल मारे, लेकिन सबसे बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड मिला प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट फिल फोडेन को, इसको बोलते हैं गोल्डन बॉल। अमरजीत सिंह भारत के ये कैप्टन थे और जैक्सन सिंह भारत का खिलाड़ी, इन्होंने पहला गोल दागा फीफा वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से। नमित देशपांडे इंडिया और यूएसए ये एनआरआई है पहले जिन्होंने भारतीय भारत को रिप्रेजेंट करा किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में, नमित देशपांडे। और एस्थर स्टॉबली ये पहली फीमेल फुटबॉल रेफरी है जिन्होंने एक मैच को ऑफिशिएट करा, ये स्विट्जरलैंड की है। 36वें नेशनल गेम कहां खेले जाएंगे नवंबर 2018 में, ये गोवा में खेले जाएंगे, गोवा। भारत की क्या रैंक रही 7वां सुल्तान ऑफ जोहर कप हॉकी जो मलेशिया में खेला गया था, भारत की रैंक रही 3री। ये जो टूर्नामेंट जीता ऑस्ट्रेलिया ने। सिल्वर मेडल किसने जीता मेंस डबल ट्रैप में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप जो नई दिल्ली में हुआ था, भारत ने पहली बार होस्ट किया था आईएसएसएफ वर्ल्ड कप। सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी रहे संग्राम धैया, और गोल्ड जीता हीना सिद्धू जीतू राय ने, सिल्वर जीता संग्राम धैया ने, और ब्रॉन्ज जीता अमनप्रीत सिंह ने। कौन सा कंट्री है जो एशियन क्रिकेट काउंसिल अमर्जिंग नेशंस कप को होस्ट करेगा, ये लाहौर में होस्ट होगा, इसको होस्ट करेगा पाकिस्तान। सबसे जल्दी 9000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने, इन्होंने अपने सिर्फ 202वें मैच में ये मुकाम हासिल किया, ये है विराट कोहली, विराट कोहली। इनमें से कौन सी टीम है जिसने वीवो प्रो कबड्डी लीग का सीजन 5 जीत लिया, ये जीता पटना पायरेट्स ने, और पटना पायरेट्स ने डिफीट किया, पहली बार खेल रही थी जो टीम, गुजरात फॉर्चून जायंट्स को, गुजरात। ये पटना का तीसरा लगातार टाइटल है, ये भी याद रखिए। पटना पायरेट्स टीम के कैप्टन थे प्रदीप नरवाल और कोच थे राम मेहर सिंह। कौन से भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज मेन सिंगल टाइटल जीता, अगेन ये जीता किदंबी श्रीकांत ने, डेनमार्क ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों। कौन सी भारतीय शूटर हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ शूटिंग चैंपियनशिप जो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में हुई थी उसमें गोल्ड मेडल जीता वुमेन्स एयर पिस्टल में, अगेन इनका नाम है हीना सिद्धू, हीना सिद्धू। और दीपक कुमार एक खिलाड़ी हैं, दीपक कुमार ने जीता था ब्रॉन्ज 10 मीटर एयर राइफल में। सो ये था पार्ट 3 स्पोर्ट्स करंट अफेयर का, पार्ट 4 और 5 भी बहुत जल्दी आप तक लेकर आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।